हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या हुई तो इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का बिगुल बजने के कयास लगने लगे हैं, और इस बार यूएस ने भी बड़ा दावा कर दिया है। मैं हूं आपके साथ बरकत, और आज मैं आपको हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर यूएस ने क्या दावा किया है और क्या हानिया की हत्या करने की प्लानिंग 2 महीने पहले से की गई थी, इस बारे में बताऊंगा। तो बात है सालों पहले की, जब इसराइल के मुखालिफत में हमास यानी कि हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, जिसकी स्थापना फिलिस्तीनी इमाम अहमद यासीन ने 1987 के इसराइल के कब्जे के खिलाफ की थी, धीरे धीरे इनका वजूद बढ़ता गया और 2007 से इसराइल के कब्जे वाला गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है। दिन आया 7 अक्टूबर 2023, वो तारीख जब इसराइल पर लगातार एक के बाद एक हजारों मिसाइलें दागी गई, जिसका जिम्मेदार हमास को बताया गया, और उस वक्त हमास को लीड कर रहे थे इस्माइल हानिया। उसी दिन इसराइल ने इंतकाम का सोच लिया होगा। और फिर आया 31 जुलाई 2024, ये वो दिन था जब हमास चीफ इस्माइल हानिया का नामो निशान मिटा दिया गया। हानिया के तहरान में उनके गेस्ट हाउस में हत्या कर दी गई। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल ने अब तक नहीं ली है, पर खुले तौर पर इनकार भी नहीं किया है। अब हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। यूएस खुफिया एजेंसी ने कहा है कि हानिया की मौत विस्फोट के कारण हुई है। विस्फोटक उपकरण को घटना से 2 महीने पहले उस गेस्ट हाउस में छिपा कर रखा गया था जहां हानिया ठहरने वाले थे। दावा है कि कातिल ने घटना को अंजाम देने से पहले लंबी प्लानिंग की थी। उसने पहले हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया और ये पता किया कि वे किस जगह रुकते हैं, किनसे मिलते हैं। इसके बाद हानिया को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद हानिया की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इस हत्या पर IRGC भी सवालों के घेरे में है। चलिए जानते हैं उस रात आखिर क्या हुआ था। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से वापस लौटे और वो निशाद कॉम्प्लेक्स के उस VVIP गेस्ट हाउस में गए जहां उनके ठहरने का इंतजाम था। रात के 2 बज रहे थे जैसे ही वो अपने बेड पर लेटे, बस इसी बीच बाहर से किसी ने रिमोट का बटन दबा दिया और तस्करी करके छिपाए गए बम ने धमाका कर दिया और हानिया और उनके बॉडीगार्ड दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। धमाका इतना तेज था कि ना सिर्फ दीवारें ढह गई बल्कि खिड़कियां और शीशों के भी परखच्चे उड़ गए। ऐसे में हानिया को खुद को बचाने का वक्त ही नहीं मिला। ईरान के तहरान में ये वाकया पेश आने पर ईरानी सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ईरान का इसमें कोई हाथ तो नहीं है, पर हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इसराइल को जिम्मेदार मान रहा है। हानिया की हत्या के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने उनकी मौत का बदला लेने के लिए सीधा हमला करने की कसम खाई है। वहीं इसराइल भी पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार है। इसका संकेत इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन वह चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। हानिया की हत्या के लिए हमास इसका इंतकाम लेने के लिए क्या करेगा, ये वक्त ही बताएगा। वहीं ईरान हमले की तैयारी में है और इसराइल भी पीछे नहीं हटेगा, तो आने वाला वक्त हमास और इसराइल के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। आप इस हत्या पर और इस जंग को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।